हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आज रात से मुंबई में सख्त पाबंदियां लगने वाली हैं, लेकिन लोग हैं कि इस खतरनाक कोरोना से अब भी डरने को तैयार नहीं है। मुंबई टर्मिनस की तस्वीरें आप जरा आपने देखी थी, अब जरा आपको दादर स्टेशन की तस्वीर दिखा दें। भारी भीड़ आपको नजर आएगी। हमारे संवाददाता नम्रता दुबे दादर स्टेशन पर उस वक्त मौजूद थी। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कोरोना का संक्रमण आखिर क्यों बढ़ा। आश्रम में कल 60,000 से ज्यादा कोरोना केसेस आए। राज्य सरकार ने आज से 15 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। बावजूद इसके दादर स्टेशन की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो दादर स्टेशन पर हजारों लोगों की भीड़ आप देख पा रहे हैं, और राज्य सरकार ने सभी सिर्फ आवश्यक सेवाओं को शुरू करने की बात की है। बाकी दफ्तरों और बाकी जो आवश्यक सेवाओं में शामिल नहीं है उनको बंद करने के लिए कहा गया है। बावजूद लोकल ट्रेन्स की भीड़ और इस तरह पब्लिक प्लेसेस पर प्लेटफॉर्म और स्टेशन की भीड़ बिल्कुल उसी तरह बरकरार है जो आम दिनों पर होती है। आज शाम से जो है लॉकडाउन शुरू हो जाएगा, ऐसे में ऐसे भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं जो पैनिक होकर ज़रूरी सामान लेने के लिए निकल रहे हैं, और साथ ही दफ्तरों में भी जो है फिलहाल 50% से कम स्टाफ की बात की गई थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने पूरी तरह दफ्तरों को बंद करके वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा है। बावजूद इसके लोगों में अब तक कोरोना को लेकर उस तरह की गंभीरता नहीं नज़र आ रही, जबकि अब महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते केसेस के बाद आखिरकार लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है, और ऐसे में फिर भी लोग जो हैं अब जिस गंभीरता से लेना चाहिए कोरोना की स्थिति को मुंबई में राज्य में वो लेते नजर नहीं आ रहे। क्या एक और ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, लौटते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सुरभि शर्मा, खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।